कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है, अगर एक स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके अखराजात कम है या पाकिस्तान में है? नहीं, वहाँ पे अखराजात मेडिकल के रेफरेंस तो बहुत ही कम है, यूनिवर्सिटीज का लेवल जो है ना स्टैंडर्ड एजुकेशन का बहुत हाई है। बिजनेस के लिए बहुत पोटेंशियल है, मैंने बताया कि वो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो यूरोपियन है। लेकिन ये टूरिज्म के हवाले से तो बहुत सारी जगह है, जो एक दफा जाएगा मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो फिर बार बार जाएगा। थैंक यू वेरी मच राव साहब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, आई एम सुपर एक्साइटेड आज आप हमारे साथ हैं, वेलकम ऑन बोर्ड। आज सर बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है पाकिस्तान के लिए, कज़ाकिस्तान जो है उसकी एम्बेसी को आपने यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। आई मीन इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। सर थोड़ा सा हमें बताइए कि ये किस तरह से आपके ज़हन में ख्याल आया कि नहीं यार हमें इस लेवल तक जाके ये काम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका आज हमें यहाँ पर इन्वाइट करने का। जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया में इस वक्त ट्रेड का दौर है, सेंट्रल एशिया दुनिया, साउथ ईस्ट एशिया दुनिया की वो जगह है जहाँ पे के मोर देन 50% पॉपुलेशन है, और फ्यूचर जो है ट्रेड का वो इसी रीजन में है और ये रिवॉल्व करेगा। तो मैं समझता हूँ कि कज़ाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो वक्त की ज़रूरत है। हमने पिछले 8-9 साल से हम कज़ाकिस्तान के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं और कुछ काम किए भी हैं। तो हमने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान के साथ इसको फर्दर रिलेशंस को इन्हांस करने का एक बहुत बड़ा एक गैप मौजूद है। तो हमारी कज़ाकिस्तान में गवर्नमेंट के हाई ऑफिशल्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ बात हुई, उन्होंने हमें प्रपोज़ किया कि आप हमारे कज़ाकिस्तान को पंजाब में रिप्रेजेंट करें, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो बहुत इनको आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि कज़ाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और पाकिस्तान के को अल्लाह ताला ने ज्योग्राफिकल ऐसी पोजीशन दी है कि हमारे पास गवादर पोर्ट और कराची पोर्ट, जिसके थ्रू वो ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में एंटर हो सकते हैं बल्कि पाकिस्तान के थ्रू वो अफ्रीका की मार्केट और मिडल ईस्ट की मार्केट को, दोनों को कवर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को सबको मद्देनज़र रखते हुए कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि लाहौर में हम एक कज़ाकिस्तान हाउस जो है वो इस्टेब्लिश करें अंडर वन रूफ, जहाँ पे कि सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, लाइक एम्बेसी तो उनकी क्योंकि इस्लामाबाद में है, लाहौर बहुत बड़ा शहर है, पूरा पंजाब बहुत बड़ा, इकॉनमी के लिहाज से भी बहुत बड़ा शहर है। तो इन चीज़ों को रख के मद्देनज़र उन्होंने फ़ैसला किया और हमने माल पे एक कज़ाकिस्तान हाउस की बुनियाद रखी, जहाँ पे अंडर वन रूफ वीज़ा की सहूलतें भी होंगी, कल्चर, टूरिज़्म, ट्रेड, एजुकेशन, क्योंकि कज़ाकिस्तान में एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है। मेडिकल की 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अप्रूव्ड हैं बाय पीएमडीसी। मैं वही उसी तरफ आने लगा था कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके पढ़ते भी हैं और आगे जाके तालीम भी हासिल करते हैं। जी जी। तो ज़रा सर इसके बारे में हमें बताइएगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है, और हम अक्सर कंपेयर करते हैं कि यार जो हमारा ख़र्चा है पाकिस्तान में इतना आता है और बाहर उतना आता है, क्या वहाँ पर कज़ाकिस्तान में अगर एक स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके अखराजात कम है या पाकिस्तान में है ज़्यादा है? नहीं, वहाँ पे अखराजात मेडिकल के रेफरेंस तो बहुत ही कम है, यूनिवर्सिटीज़ का लेवल जो है ना स्टैंडर्ड एजुकेशन का बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू किसी भी सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ। अगर आप कंपेयर करें तो उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ना सिर्फ मेडिकल में बाकी और सब्जेक्ट्स में भी। तो 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ऐसी गवर्नमेंट की जो कि अप्रूव्ड बाई पीएमडीसी हैं। जहाँ तक रहा कि एक्सपेंस का ताल्लुक है तो उनकी बहुत रिजनेबल फ़ी है, कोई अराउंड कोई 2250 के करीब, 2300 डॉलर्स जो है उसकी पर सेमेस्टर उसकी फ़ी है, जो कि बहुत ही रिजनेबल है। उसके अलावा बाकी हो बोर्डिंग का और वो भी बहुत खाने का, वो बड़ा एक रिजनेबल है। स्टूडेंट्स इस वक्त वहाँ पे कोई तकरीबन 2600 के करीब स्टूडेंट जा चुके हुए हैं, और दूसरे मुल्कों से गवर्नमेंट को कोई 20,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई हुई हैं माइग्रेट करने के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं
कि कितना उनका स्टैंडर्ड हाई होगा, बच्चों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कितनी बड़ी अट्रैक्शन है। तो ये कजाकिस्तान हाउस में उनको हर किस्म की फैसिलिटी मिलेगी, स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हमारी कोशिश वहाँ पे यही है कि कम से कम अखराजात में वो हमारे बच्चे जो हैं वो वहाँ पे मेडिकल की तालीम हासिल कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा राव साहब, अब इतना बड़े इनिशिएटिव आप ले चुके हैं, तो आप कोई एक्सचेंज प्रोग्राम भी करना चाह रहे हैं, मतलब वहाँ से लोग यहाँ पर भी आएँ, यहाँ से लोग वहाँ पर भी जाएँ, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत पोटेंशियल है, एजुकेशन में भी पोटेंशियल है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम उस पर भी हम वर्किंग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि कुछ पाकिस्तान में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वो किया जाए। उसके अलावा इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कोई 150 के करीब स्कॉलरशिप्स भी दी हैं कि पाकिस्तानी बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ पे एजुकेशन हासिल करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में हमारा कजाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ के एनवायरनमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। फ़्लाइट जो है वो शुरू हो रही है लाहौर से अलमाते, और 2 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट होगी, बिल्कुल करीब है, ऑलमोस्ट जैसे कराची जाएं या अलमाते जाएं। टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप अलमाते जाएंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप उसको किसी भी दुनिया के शहर से कंपेयर करेंगे तो ये बेहतर पाएंगे। इकोनॉमिकल भी है, लंदन जाने के बजाय आप लोग देखेंगे कि आप अलमाता जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कि हॉलीडेज बड़े अच्छे पैकेजेस उनको मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ से फ़्लाइट शुरू हो रही है, कजाकिस्तान हाउस माल पे ऑपोजिट हाई कोर्ट के, बिल्कुल आप आ सकते हैं, वहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन मिल सकती है टूरिज़्म के हवाले से, ट्रेड या बिज़नेस के हवाले से भी। बिज़नेस के हवाले से भी मैं अपने बिज़नेस कम्युनिटी को ये कहूँगा, लोग आते हैं, डिफरेंट चैम्बर्स के लोग आते हैं हमारे पास, हम उनको विज़िट करते हैं। बिज़नेस में हम बहुत सारी उनको तमाम रहनुमाई दे सकते हैं, कोई भी अगर इसमें वो चाहे। अच्छा राव साहब, हमें ज़रा 2 से 3 को यूनिक सी चीज़ें जो हैं कजाकिस्तान के बारे में अगर आप बताना चाहें। माशाल्लाह आप बता रहे थे जब मॉक सेशन में कि आपने विज़िट भी किया और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है, ज़रा कुछ उसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए, ये टूरिज़्म के हवाले से तो बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी, हर ऑलमोस्ट हर चीज़ है वहाँ पर, हर सब के लिए, मतलब टूरिस्ट आप, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप एक दफ़ा जाएंगे तो आप बार बार हर छुट्टियों में, आप हॉलीडेज़ में, खा वो नौजवान हो, फैमिली के साथ जाए, आप रिलीजियस टूरिज़्म के उसके लिए भी है बेशुमार, हमारी ऐसे ऐसे हमारे मजहबी मकामात हैं उनको आप कर सकते हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। शॉपिंग के लिए कोई जाना चाहता है तो दुनिया के सब हर किस्म की मॉडर्न शॉपिंग जो इंटरनेशनल चेन्स हैं वो वहाँ पे आप देखेंगे। फूड के हवाले से भी बेहतरीन सीनरी के मौसम, बेहतरीन मौसम है अलमाते का। तो जो एक दफ़ा जाएगा मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो फिर बार बार जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकल भी है और सस्ता है, करीब है यहाँ से, 2 घंटे की फ़्लाइट है, तो बड़ी अट्रैक्शन वाली जगह है। आपके साथ डिस्कशन करके मैं भी एक्साइटेड हो रहा हूँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह भी हम पहले भी बात कर रहे थे। अच्छा, अब आपने जाने की बात की, तो सर जाने का प्रोसेस क्या है? जो वीज़ा की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर वीज़ा के लिए? देखिए, कई कजाकिस्तान हाउस में डिफरेंट उसके वीज़ा के बनाए हुए, क्योंकि कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, बट उसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको कजाकिस्तान हाउस से मिल जाएगी। अगर कोई जर्मन होगा तो वीज़ा उसको डेफिनेट मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट। सही। अच्छा सर, अब आप यहाँ बैठे हैं तो पाकिस्तान के कुछ लोगों के लिए आपने देखा कि यूथ जो है वो हमें छोड़ के बाहर जाना चाहती है, तो व्हाट यू थिंक अबाउट इट? अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें या बाहर जाके किसी मुल्क में सेटल होना चाहें, तो कजाकिस्तान को आप किस तरह से देख रहे हैं कि अगर लोग यहाँ से जाएं और वहाँ जाके अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहें, किस तरह कर सकते हैं? बिज़नेस के लिए बहुत पोटेंशियल है। मैंने बताया कि वो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो यूरोपियन है, क्योंकि ऑयल एंड गैस रिच कंट्री है, उनके रिसोर्सेज बहुत हैं, वहाँ पे बिज़नेस के बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडस्ट्री के हैं। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो हम उसको डेफिनेट गाइड कर सकते हैं। कोई एक दो पोटेंशियल बिजनेस, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स हैं, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, और जो हमारा फेसबुक का पेज है कासिम मलेशिया फाउंडेशन का, हम सीईओज भी देखते हैं, कॉर्पोरेट के लोग भी देखते हैं और इन्वेस्टर भी होते हैं, तो वो भी अगर जाके वहाँ इन्वेस्ट करना चाहे, तो 1 से 2 बिज़नेस आप समझते हैं कि यार ये बेस्ट है?
मैं समझता हूँ कि जी अगर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट यहाँ से या टेक्सटाइल ना सिर्फ कजाकिस्तान की मार्केट बल्कि कजाकिस्तान गेटवे है टू द रशियन मार्केट ऑल्सो। रशिया पे जो सेंक्शंस के बाद बहुत सी ओपनिंग्स आ रही हैं, नई ओपनिंग्स बेशुमार हैं। इसमें कजाकिस्तान की कोई 130 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट थी रशिया से, सेंक्शंस के बाद एक नए ओपनिंग्स आ रही हैं, नई मार्केट्स खोल रही हैं। तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, लोगों के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको वहाँ पे जाना चाहिए। अभी हम एक और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने कोई 23 के करीब ऐसे बिजनेसेस आइडेंटिफाई किए हैं कि वो हमारी ख़वातीन, बहनें, बेटियाँ जो बिज़नेस कर रही हैं या करना चाहती हैं उनके लिए भी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ है। यूएस एड का एक प्रोग्राम है, उसमें सितंबर में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने जाना है, यूएस एड वाले फाइनेंस कर रहे हैं, तो अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड हो तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उनको यूएस एड को कहें कि उसमें उनका नाम शामिल किया जाए और वो जाएं खुद देखें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को, हम भी हाज़र हैं उनको गाइड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच राव साहब फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई मीन यू आर एन अमेजिंग स्पीकर, आपसे बात करके आई एम ऑल्सो सुपर एक्साइटेड। और मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है, कजाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में लॉन्च की, और इससे हमारे मुल्क का जो नाम है मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रोशन होगा। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। राव साहब हमारे साथ थे, ही इज़ वर्किंग एज ए काउंसलर एट कजाकिस्तान। उन्होंने हमें ये बताया कि कजाकिस्तान जो है वो एक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और अगर आप कजाकिस्तान जाना चाहते हैं, वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इवन जाके वहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आई थिंक दुनिया का वो एक बेहतरीन मुल्क है। जो आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है किसी भी किस्म की, वीज़ा प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पर मॉल रोड पे कजाकिस्तान हाउस अवेलेबल है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में आज रखेगा इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।